नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार का दिन रहा हादसों भरा, दो पक्षों का विवाद बना, जहां युवक की जान जाने का कारण तो वहीं सरपंच ने की आत्महत्या, मामला कुम्हारी व भिलाई तीन थाने का। दुर्ग के गुंडवाना भवन में होगा कार्यक्रम समागम का आयोजन, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल, हजारों लोगों को जोड़ने का किया जा रहा है प्रयास। और कांग्रेस के संकल्प शिविर अभियान में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, शुरू किया चुनावी अभियान। खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के संकल्प शिविर अभियान में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय मूड में आ चुकी है। कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत संकल्प शिविर अभियान के जरिए शुरू कर चुकी है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस अभियान की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने किया। इस आयोजन में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा संकल्प शिविर में शामिल हुई। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में, जिसे संकल्प शिविर का नाम दिया गया, पूरे प्रदेश में सबसे पहले रायपुर पश्चिम विधानसभा के में संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा है, तो मैं पार्टी अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सबसे पहले शुरुआत रायपुर पश्चिम में। आप पे कितना बड़ा विश्वास पार्टी ने किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जिसका उद्बोधन आप सुन रहे थे, हमारे प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय चंदन जी, विजय जांगिड़ जी और विधायक साथी और राष्ट्रीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, भाई एजाज जी, भाई राजेश तिवारी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, ज्ञानेश शर्मा जी, सुभाष सुपर जी, आकाश शर्मा जी, गिरीश दुबे जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, अजय साहू जी, प्रमोद दुबे जी और प्रमोद चौबे जी, श्री कुमार मेमन जी और बिस्सा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ले रहा था। विकास उपाध्याय, आप जानते हैं कि एनएसयूआई के, युवक कांग्रेस के, वो प्रदेश के भी पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, अन्य बहुत सारे प्रदेशों के भी प्रभारी रहे। संगठन की जो मूल बात है उसका सवाल मैंने कर दिया और उसमें मैंने कहा, सवाल पूछा विकास से कि चुनाव लड़ चुके हो, संगठन के बड़े बड़े पद में रह चुके हो, मैंने कहा आपको वोटर लिस्ट पढ़ना आता है? अब पढ़े लिखे आदमी यूनिवर्सिटी में राजनीति किए व्यक्ति को बोले पढ़ना आता है, तो निश्चित रूप से विकास थोड़ा तेज तर्रार भी है, थोड़ा उनको गुस्सा है, पढ़ना कैसे नहीं आएगा। मैंने दूसरा सवाल दागा, अनुभाग को जानते हो? एक बूथ में कितने अनुभाग होते हैं? वो निरुत्तर हो गए। मैंने, बाबू जिस दिन अनुभाग पढ़ना आ जाएगा उस दिन चुनाव नहीं हारोगे, जीतोगे। वहीं वोटर लिस्ट मंगाया, मैंने बताया एक बूथ में कितने आपके अनुभाग होते हैं, किसी में पांच, किसी में सात, किसी में दस, किसी में ग्यारह अनुभाग होते हैं। बड़े मोहल्ले के तीन, दो तीन अनुभाग में ही हो जाता है एक बूथ। और उस दिन से इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ बैठ के भी अनुभाग मैंने बनवाया, बूथ बनवाई। बहुत सारे साथी चेहरे, परिचित चेहरे हैं जिनके साथ मैंने बैठ के आयोजित की, जिन्होंने, ये उनकी राजनीति है दोस्तों। जब खोपड़ी गर्म होता है तब जाके झोपड़ी जलता है। ये इस प्रकार से सबके दिमाग को गर्म करना चाहते हैं, सबके अंदर में नफरत भरना चाहते हैं और नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता चाहिए चाहे किसी प्रकार से हो, उसे कोई मतलब नहीं, जनता जिए या मरे,
उनको रोजगार मिले ना मिले, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं। जबकि कांग्रेस का हर व्यक्ति से नाता, हर परिवार से नाता, हर वर्ग से नाता है, हर वर्ग के लिए उत्थान का काम किया है। पिछले 5 साल में जो मौका हमको मिला है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए योजना बनाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं कर सकता कि हमारी शासन की योजना का लाभ नहीं मिला। अरे वर्ग छोड़ दीजिए, कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का हमको लाभ नहीं मिला, क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है। जहां छूटता है, लोग बताते हैं कि ये वर्ग छूट गया, तो तुरंत हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से योजना बनाकर उसको लाभान्वित कर सके। ये प्रयास, और आज यही कारण है कांग्रेस के नीतियों से, कांग्रेस विचारों से ओत प्रोत और कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और अंत में कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये कांग्रेस है जिसके आप सदस्य हैं, जिसके आप पदाधिकारी हैं, आप ही हैं साथी, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जो इस हाल के अंदर में बैठे हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, तब वहां पे खड़गे जी नहीं होंगे, वहां पे सोनिया जी, राहुल जी नहीं होंगे, वहां पे प्रियंका जी नहीं होंगी, वहां पे शैलजा जी नहीं होंगे, वहां पे दीपक बैज नहीं होंगे, वहां हर जगह विकास उपाध्याय भी नहीं होगा, न वहां गिरीश दुबे होंगे। वहां होंगे तो खड़गे जी और राहुल जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, कांग्रेस की विचारधारा के प्रतीक के रूप में यदि कोई होगा तो आप होंगे। आप वो हमारे नेता हैं। तैयार है? तैयार हम मुट्ठी तान के, हाथ उठा के, है तैयार हम? है तैयार हम? है तैयार हम? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शैलजा मैडम जिंदाबाद, दीपक बैज जिंदाबाद, धीरज दुबे जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित मिनी माता स्मृति दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के नव निर्वाचित सदस्यों को पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। शुरू करें, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। मैं अपने आराध्य बाबा गुरु घासीदास जी को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि मैं गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंजीयन क्रमांक 123/2 छत्तीसगढ़ राज्य के नियमावली के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहते हुए समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप समाज उत्थान के लिए शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक तथा सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करूंगा तथा जो पद एवं जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका पूरी ईमानदारी, सत्य व निष्ठा के साथ पालन करते हुए समाज को नई दिशा, गति व मजबूती प्रदान करने में
अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा। जय सतनाम, सबको बधाई। मिनी माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मिनी माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अमर बहुत ही दमदार तेज तर्रार मंत्री भाई श्री डहरिया जी, आदरणीय राजेश श्री राम मंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय शकुन डहरिया जी, केपी खांडे जी अध्यक्ष, सुंदरलाल जोगी जी, चंपा देवी गेंदले जी, जे आर सोनी जी, अमरावती बतपहरी जी, डी एस पात्रे जी, चेतन चंदेल जी, एम डी माहिलकर जी, खेतु बंजारे जी, के एन भारद्वाज जी, जे आर बाघमारे जी, आर के पाटले जी, प्रकाश बांधे जी, अरुण मंडल जी, अंजूरदास बंजारे जी, टिकेन बघेल जी, घासीदास कोसले जी, सुरेंद्र कुर्रे जी, हृदय प्रकाश आनंद जी, श्रीमती आशा पात्रे धृतलारे जी, श्रीमती गोंदा बारले जी, और मंच में उपस्थित सब हमार अतिथि मन, उपस्थित सतनामी समाज के सबो प्रमुख भाई बहनी मन, युवा साथी मन, लयिका मन और पत्रकार संगवारी मन। साथ ही सबसे पहले नवा कमेटी बनी, शपथ ग्रहण करी, सबो जन ला बहुत बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा बधाई, शुभकामना। पहले भी बहुत अच्छा काम होत रही से समाज के द्वारा, गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा, आगे भी राष्ट्रीय सद्भावना समिति, राष्ट्रीय सद्भावना समिति दोनों के तो आज शपथ ग्रहण हुई से बहुत बहुत बधाई। नया जिम्मेदारी सब साथी मन मिले है, अब पूरा ऊर्जा के साथ बाबा जी के बताए रास्ता है, मिनी माता जी के बताए रास्ता है, ते में चल के समाज के और छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा आप सब करू, ऐसे शुभकामना शुभेच्छा आप सब खूब बधाई। आज मिनी माता जी के पुण्यतिथि और वो अवसर में अभी बहुत जन बहनी मल्ला बेटी माई मल्ला खूब सम्मान करें, बहुत अच्छा लगे, वह मल्ला बहुत बहुत बधाई, गाड़ा गाड़ा। समाज के विभिन्न क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे, और वैसे बहुत जन अच्छा काम कर रहे थे, वो मतलब छांटना बड़ा कठिन काम, तो जिन जिन चयन करे वो टीम लभी कावर की चयन करे, जिन मिले तेन तो बहुत खुश है, और जिन मतलब नहीं मिले तेन गारी देत हुई संकोच कावर का तो डर तो लागबे करी भाई अब डरो मत कहे, लेकिन वहां तक ठीक है नूनी, लेकिन यू बात है कि कोई भी काम है तो सहमति से कराना चाहिए, यदि कोई काम लाते हैं सही है लेकिन सबके सहमति नहीं ले और ते वो काम लग कर दे तो कर विरोध हो जाते हैं, तो सहमति बनाए का मतलब कोशिश करना चाहिए, और विकास करे बर खासकर गुरु घासीदास जी के जिन जन्म स्थली है तपोभूमि है उन विकसित करे में हमारे सरकार कटिबद्ध है, लेकिन अब वही सहमति की बात आवा थे तेने थोड़ी रुकावट है, नहीं तो पहले भी जन दर्शन आपके यहाँ लगा था। तो दूसरा बात यह है कि अभी मैं पाटन गए रहे वहां के सब सतनामी भाई, मैंने कहे कि यहाँ बढ़िया मॉडल जैत खाम बनना चाहिए, तब मैं कहे पाटने भर में काबर बनी, पूरा छत्तीसगढ़ में जिया जिया हमारे सतनामी भाई बन रहे थे, वो हर ब्लॉक में शुरुआत हम करन, हर ब्लॉक मुख्यालय में, यदि ब्लॉक मुख्यालय में यदि समाज के मंदिर काबर के भाई पूजा स्थल बना दे उसका तो पूजा पाठ करे लगेगा, तो जिया सतनामी समाज के साथी मन कहा कि नहीं, मान लो उदाहरण के तौर पे कोई एक ब्लॉक है मुख्यालय में एक जन सतनामी नहीं है, लेकिन उकर आसपास के गांव मन में हजारों की संख्या में आवे, तो वो जगह समाज के मन चयन कर रहा है तो उन्हें हम बना दें, तो उन्हें हर ब्लॉक में पहले तो ही तय करबे जिन हमारे मैदानी समसीम सबसे ज्यादा है वहां पहली शुरुआत करूँ, अगर 25 करोड़ की व्यवस्था भी करें और डिजाइन सीट एरियल दिखा रहे हैं तो सब समाज के मन देखे भी हो, तो जिन डिजाइन पास करके दे दो अब बहुत जल्दी होकर फिर टेंडर वगैरह प्रक्रिया करना है, अब बढ़िया मॉडल जैत खाम, अब एक तो वहां बने तो एक बार नहीं बनान भाई, लेकिन हर ब्लॉक में बढ़िया सुंदर से
भिलाई निगम में नेता प्रतिपक्ष के बैठने की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जिसे लेकर निगम परिसर के अंदर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने खुले में पेड़ के नीचे ही भिलाई की जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक जगह चयनित की है, जहां बैठकर भिलाई वासियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 14 नगर निगम स्थापित है, जिनमें से 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था बना दी गई है। हालांकि निगम के कानून की किताब में ऐसा कोई नियम नहीं है, बावजूद इसके 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद को सम्मान देते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिक निगम भिलाई में अब तक नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसके पूर्व निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम परिसर में बैठकर निगम की जनता की शिकायतें सुनने और उसके निराकरण करने के लिए एक स्थल का चुनाव किया है, जिसका निरीक्षण भी किया जा चुका है। यह स्थान निगम परिसर में एक पेड़ के नीचे चयनित किया गया है, जहां नेता प्रतिपक्ष टेबल और कुर्सी लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। निश्चित आज एक हम लोगों ने पूर्व में आवेदन दिया है और आवेदन के साथ साथ में मौखिक प्रतिवेदन भी किया है कि नगर पालिक निगम में लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं, 14 नगर निगम में 13 नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के तय कर दिया गया है संगठन के द्वारा, जिसमें 12 लोगों को सभी नेता प्रतिपक्ष को चैम्बर मिल चुका है। मेरे को एक भिलाई नगर निगम के द्वारा भी मेरे प्रयास निरंतर जारी है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। चूँकि मुझे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ के लोगों की जनता के बात सुनूँ और मेरे अपने जितने भी पार्षद हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, उनके साथ बैठूँ। तो आज हमने एक जगह तय किया है कि इस जगह में होना है, बैठना है करके। तो तारीख देख करके हम पंडित जी से वास्तु पता करके जो भी जिस दिन भी अच्छा तारीख दिख रहेगा, चाहे वो सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, 10 दिन के अंदर में एक तारीख तय करके हमको इसी जगह में बैठने के लिए हमने इस तरह निरीक्षण आज किया है। देखिए क्या है, पूर्व और वर्तमान वाली बात तो खैर बात की बात है, चाहे पार्लियामेंट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर निगम में हो, सभी नगर इसमें एक ये है कि आपको देना है। वो लीगल तो नहीं, मतलब उसमें नहीं लिया जाता है कि इसको वास्तविकता के तौर पे, लेकिन एक सिस्टम में बंधा हुआ है। जैसे जिस प्रकार से सब जगह नगर निगम में दिया, वैसे भिलाई में भी देना चाहिए। मैंने मांग किया है आयुक्त महोदय से और देखते जल्द से जल्द अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो इस जगह को हमने चयन किया, इस जगह में जल्द हम अपने भिलाई की वासियों की बात सुनने के लिए यहाँ बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कई बार निगम प्रशासन को इसके लिए पत्र व्यवहार और मौखिक रूप से कहा था, जिस पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में उन्होंने यह कदम उठाया है। देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष क्या खुद के द्वारा चयनित किए गए जगह पर ही अपना दरबार लगाते हैं या फिर निगम भिलाई उन्हें सम्मानपूर्वक उनके बैठने की जगह सुनिश्चित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। कृषि
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामधस साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता: कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता: बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773011, 7773011, 7772। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विगत 2 से 3 वर्षों से भिलाई निगम के बस यार्ड में ये सिटी बसें यूं ही खड़ी हैं और आज ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, परंतु निगम भिलाई ये दावा कर रहा है कि इन सिटी बसों का संचालन जल्द किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई के बगल में स्थित है सिटी बस का यार्ड, जहाँ विगत 2 से 3 वर्षों से यह सिटी बसें कबाड़ में तब्दील हो रही हैं और निगम प्रशासन सिटी बसों को कबाड़ में तब्दील होता आंखें मीचे देख रहा है और दूसरी तरफ यह भी कहता है इसका परिचालन जल्द शुरू होगा, परंतु निगम द्वारा इन बसों को चलाने के लिए इसकी खरीदी लगभग 10 करोड़ रुपए में की गई थी और यह बसें कोरोना काल के समय से जो बंद पड़ी हैं सो अब तक इन्हें पुनः चालू नहीं किया जा सका और यार्ड में खड़े खड़े ज़्यादातर गाड़ियों के टायर, अंदरूनी सामान जैसे इंजन, गेयरबॉक्स आदि सब चोरी हो गए हैं। निगम पुनः इनके परिचालन की बात कर रहा है, परंतु सवाल यह है कि इसे दोबारा चलाने में इन बसों का संधारण करना होगा और यथास्थिति यह बताती है कि इसके संधारण में भी भारी भरकम रकम खर्च होने वाला है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि सिटी बसों के परिचालन के लिए जिस नई एजेंसी को कार्य सौंपा गया था उन्हें अभी बसों के परमिट नहीं मिले हैं और जैसे ही यह परमिट मिल जाएंगे इनका परिचालन पुनः शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 2 वर्षों से कोविड के टाइम पे सिटी बसों का संचालन बंद हो गया था, उसमें बसों की जो 2 साल बंद रही तो स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई थी और उसमें कुछ बसों के पार्ट्स चोरी भी हो गए थे। नगर निगम भिलाई ने इसके लिए एक फिर एक टेंडर किया था, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको बसों का संधारण करना है और फिर बसों का संचालन भी करना है और उसके लिए नगर निगम को वो मासिक रूप से किराया देंगे प्रत्येक बस के हिसाब से। तो इसमें 15 से 20 बसें करीब का संधारण करके उन्होंने रेडी कर लिया है, पर इसमें इशू ये आ रहा है कि 6 बसें अभी परिचालन में है जिनका संचालन चालू हो चुका है
15 बसों का अभी जो परमिट है वो पेंडिंग है, जिसकी प्रक्रिया जितना मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही उनका परमिट जारी होता है तो 15 और बसें हमारे यहाँ सड़क पे चालू हो जाएंगी और लगातार बसों का इसमें जो है संधारण का कार्य चालू है, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको बाहर से मंगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है, पर संधारण कार्य प्रगति पर है और जैसे जैसे 15 बसों के हमारे और परमिट जारी होंगे तो आगे और बसें भी हमारी चालू हो जाएंगी। वहीं इन सिटी बसों को लेकर और इनके परिचालन को लेकर नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने निगम प्रशासन पर सवालिया निशान लगाया है और निगम के राजस्व के सहित निगम क्षेत्र की जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। सिटी बस को देख करके लगता है कि सिटी बस भिलाई के अंदर में एक मजाक सा हो गया है। इस शहर के अंदर में पूर्व की सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा सपना इस शहरवासियों के लिए सिद्ध किया गया था, जिसमें करोड़ों की लागत से राज्य सरकार के मद से और नगर निगम के संचित निधि से लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि से सिटी बस की रचना रची गई थी, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के रूट के हिसाब से सिटी बस का संचालन करने की एक प्रक्रिया सामान्य सभा से प्रस्तावित की गई थी। आज आप लोग देख रहे होंगे सिटी बस के अड्डे में इस शहर के अंदर में कहीं सिटी बस नाम की चीज़ नहीं चल रही है। लगभग 120 सिटी बस, जिसके किसी भी बसों में टायर की स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी सिटी बस ठीक से यहाँ खड़ी नहीं है। करोड़ों रुपया का शासन का पैसा, करोड़ों रुपया छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा इस तरह से भिलाई नगर निगम में बर्बाद किया जा रहा है, जिसका मूर्त रूप आप भिलाई नगर निगम के जस्ट बाजू में सिटी बस के यार्ड में आप देख सकते हैं। आपको बता दूँ कि भिलाई में बहुत सारे बेरोजगार हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया किसी एजेंसी को दे रहे फ्री में दे रहे, उससे अच्छा है कि शहर के बेरोजगारों को एक एक बस दे दीजिए और उनसे जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनसे लेने का एक एग्रीमेंट जारी करिए और एक सिटी बस का जो भी एक किराया होता है एक होना चाहिए 10,000 15,000 5,000 जो भी तय कर करके शहर के बेरोजगारों को आप दे दीजिए संचालित करने के लिए। सामान्य सभा आपको उसके लिए स्वीकृति देने के लिए तैयार है, लेकिन ना शहर के बेरोजगारों को दिया गया, पता नहीं कौन सी ऐसी संस्था थी, किसी भी सिटी बस 8 साल पुरानी सिटी बस आज जाके देख लीजिए शहर के अंदर में इनकी 2000 की मॉडल की बसें चल रही हैं, लेकिन आज शहर की सरकार के करोड़ों रुपए का बंडरबांट और करोड़ों रुपए का बर्बाद करने का काम इस नगर सरकार ने किया है और यहाँ के अधिकारियों ने किया है। कभी भी इनको इस शहर के हित के लिए इन्होंने नहीं सोचा। आप स्वयं उस चीज़ का निगरानी करिए कि कहाँ वो 10 बस चल रही है। अभी तो पता चला है कि कुछ बसें स्कूल को भी भेजी गई है, स्कूल में चलेगी संचालित होने के लिए। इस शहर को क्या समझ के रखे इन लोगों ने, इस शहर में इतनी महत्वाकांक्षी योजना देखिए किस हालत में यहाँ की बसें 120 बसें पड़ी हुई है, कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन से विकास की ओर जा रहे हैं, कौन सा तारामंडल तय इस राज्य को इस शहर को दे रहे हैं, ये कुछ नहीं। निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी, निरंकुश हो चुके हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसमें मैं स्वयं हूँ। मैं 15 साल से इस शहर का पार्षद ही कर रहा हूँ, मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि शहर के पैसों का ऐसे बंदरबांट निश्चित कहीं ना कहीं शहर को बर्बादी को ले जाना चाह रही हैं इन लोग, और शहर के अधिकारी आज जो लापरवाही पूर्वक इस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं, जो कि शहर की जनता, मेरे ख्याल से मैं एक अधिकारी का अधिकार तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास अगर अधिकारी का अधिकार होता तो इन पर निश्चित कार्रवाई करवा दिया जाता, शहर की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। किसी भी जगह में वातानुकूलित एसी बस की बात की गई थी, कहीं पे भी कोई एसी नाम की चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। मेरा शहर सरकार और शहर के अधिकारियों से निवेदन है कि शहर को इतना बदनाम ना करे कि शहर पूरे राज्य में एक मॉडल शहर बन जाए और पूरे शहर ये देखे कि शहर को देखो कि सिटी बस की क्या स्थिति इस भिलाई की। मेरा विनम्र निवेदन है आपके चैनल के मार्फत से इस भिलाई की जनता की ओर से आग्रह करता हूँ, माननीय आयुक्त महोदय जी एक बार यहाँ आकर के आप देखिए इस शहर का पैसा, गरीबों का पैसा, टैक्स देने वालों का पैसा किस स्थिति में यहाँ पे है। अगर थोड़ा भी अंदर में आपके अंदर में आईएएस का अगर पावर है तो आप तत्काल इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। मेरा आपसे पूरे भिलाई की ओर से निवेदन करता हूँ। भिलाई शहर की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उन्हें दोबारा कब इन सिटी बसों में किफायती दरों में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय सामाजिक समागम एवं समाज के प्रमुख जनों का सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर हुई पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई।
भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संभाग स्तरीय सामाजिक समागम एवं समाज के प्रमुख जनों का सम्मान समारोह का आयोजन दुर्ग की सिविल लाइन स्थित गोंडवाना भवन में किया जा रहा है, जिसमें कम जनसंख्या व विभिन्न जातियों एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले समस्त जातियों के लोगों एवं समाज प्रमुखों को एक स्थान पर एक समूह में लाकर जोड़ने के उद्देश्य को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ के इस आयोजन में भरसक प्रयास कर रही है। इस विषय पर पत्रकार वार्ता में चर्चा करते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लगभग 5,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी समाज प्रमुखों ने अपनी सहमति भी प्रदान की है। पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ के माध्यम से संभाग स्तरीय कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग कम जनसंख्या जातु समूह का सम्मेलन है। इसके माध्यम से आने वाला 2023 में हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को अपने समाज तक स्थापित करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो योजना है 9 साल में पिछड़ा वर्ग समाज के लिए बहुत सारे जनकल्याणकारी योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से संचालित हैं। इस योजनाओं को हम कैसे समाज के लोगों को लाभ दिला सकें, इस योजना के उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आहूत है। और आने वाले 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष अरुण साव जी और हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी सहित हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और हमारे संभाग के सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण और हमारे ओबीसी मोर्चा के समाज प्रमुख के साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित रहेंगे। इन्हीं उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आहूत है। गौरतलब है कि कार्यक्रम प्रभारी गजेंद्र यादव ने बताया है कि इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और डॉ. रमन सिंह के निर्देशन व अरुण साव के मार्गदर्शन के साथ प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा के नेतृत्व में गजेंद्र यादव के संयोजन में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कम जनसंख्या विभिन्न जातियों एवं पिछड़े वर्ग में आने वाले समस्त जातियों के लोगों एवं समाज प्रमुखों को एक स्थान पर एक समूह में लाकर जोड़ना है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस संबंध में मीडिया को कार्यक्रम प्रभारी गजेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग संभाग से हमने समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें दुर्ग विधानसभा, दुर्ग जिला और दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के सारे विधानसभा के 200 विधानसभा के लोग उसमें आएंगे। लगभग 5,000 विभिन्न समाज के प्रमुख जन आने की अपेक्षा है। गजेंद्र यादव प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यक्रम प्रभारी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीजेपी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता विधायक अजय चंद्राकर ने गुरुवार को धमतरी जिला पंचायत की बैठक में एक जनपद सदस्य द्वारा बैठक में ही अपने ऊपर केरोसिन डालने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो आज तक कभी नहीं हुआ है वो सब अब हो रहा है। जितने अनैतिक कार्य कांग्रेस शासन में हुए हैं उतने अनैतिक कार्य कभी नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई 15वें वित्त आयोग की राशि को दलगत आधार पर वितरित करना कांग्रेस की संकीर्ण लालची, लुटेरी और भ्रष्टाचारी सोच को उजागर करती है। भूपेश सरकार ने एक काम बहुत बढ़िया किया है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाया है और उन्हें अनैतिक धंधा चलाने का रोजगार दिया। प्रदेश में किस तरह से अराजकता व्याप्त है उसका एक छोटा सा उदाहरण कल भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य श्री खूनलाल ध्रुव ने जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अपने ऊपर केरोसिन डाल ली। ये कैसी विचित्र बात है कि जो राशि केंद्र सरकार देती है 15वें वित्त आयोग की, उसको एक सभा में दो तरह के प्रस्ताव होते हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को 35 लाख मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को 10 लाख रुपये मिलेंगे। माने क्या सीओ वहां की नियम पढ़ के नहीं आई है, या बहुमत के कारण ऐसा है, या कांग्रेस सरकार अपने बहुमत के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी भी नहीं बनी कि विकास कार्य की राशि जो केंद्र सरकार से आई है उसको दलगत आधार पर बांटा जाए। पंचायती राज के बारे में
कांग्रेस सरकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। पैसे का दुरुपयोग, पैसे की बंदर बांट और उसको कमीशन में बेचना, विकास कार्य करना नहीं कमीशन खा के उसको बेचना, यह कांग्रेस का चरित्र है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने करप्शन को, उन्होंने भ्रष्टाचार को हर कांग्रेसी तक पहुंचा दिया, हर नीचे के व्यक्ति तक पहुंचा दिया। और आज यदि राजनीति जो है कांग्रेस के हर सदस्य के लिए जीवन यापन का एक अच्छा व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में बन गई है। मैं भाजपा के सभी साथियों से कहूंगा कि 3 महीने बाद इस सरकार को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं, जान पर मत खेलें। अन्याय का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है, निश्चित रूप से। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग, रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। Thank you.
में आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र स्थित उतई टेम्पो स्टैंड में एक अज्ञात युवक ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली, जहां मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। दुर्ग में गौरवपत स्थित उतई टेम्पो स्टैंड में गुरुवार को एक अज्ञात युवक ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे डाली, जिसके बाद आसपास में खबर फैलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पेड़ से हटाकर लोगों से पूछताछ की। बताना चाहेंगे कि लगभग 2 बजे की यह घटना है, जहां स्थित खंडहर के अंदर जाम के पेड़ में अज्ञात युवक ने फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार युवक के हाथ में अस्पताल की पट्टी भी थी और जिससे आकांक्षा जताई जा रही थी कि वो अस्पताल से भागकर आया होगा। इस मामले में थाना पद्मनापुर द्वारा अज्ञात युवक की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी सूचना आसपास के पुलिस थाने को दे भी दी गई है। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। वहाँ मौजूद लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने इस तरह की जानकारी दी। सर, हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग देखा था 2 बजे कोई लड़का सूचित किया है, उसको हमें पता चला 2 बजे पर कल से वो आया था लड़का, वहाँ से संतुष्ट था, पता नहीं अब क्या परेशान था, वही जाने अब बेचारा फांसी लगा मर गया। और इतना ही सर, और जाता आगे ये सूचना दिया सर, पुलिस वाले आए उसके बाद आके ले गए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चौराहा सर्वोदय ग्रीन में 2 गुटों की पुरानी रंजिश को लेकर आपस में ही भिड़ंत हो गई। उनके बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। इसमें कबाड़ का काम करने वाले 23 वर्षीय कमल खूटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं कुमारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीते रात रामपुर चौराह निवासी कमल खूटे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक घूम घूम कर कबाड़ बेचने का काम करता था। वहीं जानकारी के मुताबिक सतनामी समाज के 2 गुटों में सर्वोदय ग्रीन सिटी कुम्हारी के पास पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लोग लाठी डंडा हथियार लेकर एक दूसरे को मारने आ गए। 2 गुटों में हुए इस खूनी संघर्ष में आरोपी पक्ष ने रायपुर उरला निवासी कमल खूटे के ऊपर धारदार हथियार से पेट, सिर, पीठ और हाथ पैर भी इतने वार किए कि वो वहीं पर ढेर हो गया। शुक्रवार तड़के से कुमारी सहित भिलाई 3 थाने के TI और CSP छावनी, ASP संजय ध्रुव, CSP क्राइम राजीव तिवारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुमारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात हत्या की सूचना पर से, जो कि ग्राम रामपुर चौराहा गांव में हुआ था, उसकी सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची। मृतक कमल कुटे, पिता पवन कुटे, उम्र 27 साल को शुरुआती में अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर देने की सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुंची। प्राथमिक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले में गांव के ही कुछ संदेहों को हमें थाना लाया गया है, नाम के संदेह हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इन संदेहों के द्वारा ही शुरुआती तौर पर हत्या की बात स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, और बाकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ों का खुलासा करेंगे। बहरहाल पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई 3 तहसील कार्यालय में बीती रात नंदनी थाना अंतर्गत ग्राम बागडूमर के पंच ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सुबह लोगों ने उसे तहसील कार्यालय में फंदे में लटकता देखा, फिर पुलिस को सूचना दी। भिलाई 3 थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि 32 वर्षीय सुखीराम रावत बागडूमर गाँव का पंच है, तथा वह रात को तहसील कार्यालय आया था और इसी दौरान उसने खुद को फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही भिलाई 3 पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में जुट गई है। 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि तहसील परिसर में जो है बाउंड्री वाल है, वहाँ कोई व्यक्ति जो है वो फांसी लगा दिया है। सूचना की तस्दीक है तो जो है मौके पर गए, जहाँ पर मृतक का तस्दीक सुखीराम रावत, पिता सावंत रावत, उम्र 32 वर्ष, जो कि बागडूमर थाना नंदनी के रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। शव को पंचनामा प्रान जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद में जांच में जो भी सामने आएंगे उसके बताया गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।